आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका फोन अचानक चलते चलते बंद होता है तो किस कारण से होता है। ये बंद होने के तीन सबसे बड़े रीजन हैं और इसी तीनों रीजन के चलते आपके फोन जो होता है वो बंद होता है। तो ये तीनों रीजन के बारे में, इन तीनों कारणों के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि ये कैसे होते हैं और आपको इनसे कैसे ठीक करना है। अगर आपका फोन बंद हो रहा है तो इसी में से कोई आपका भी कारण होगा जिसके चलते आपका फोन अचानक बंद हो जा रहा है। आपका फोन बिल्कुल सही चल रहा था और अचानक से आप देखते हैं कि रखे रखे या आप यूज कर रहे थे, कुछ देख रहे हैं और अचानक से वो बंद हो जाता है। तो ये तीन जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, इसी तीनों फैक्टर के चलते आपके फोन बिल्कुल बंद होता है। तो ये तीनों कारण कैसे होते हैं और इनको कैसे ठीक करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि किस कारण से आपका फोन बंद हो रहा है और उसको कैसे आपको ठीक करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो तीन कारण है वो मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहला कारण जो होता है वो बैटरी कैलिब्रेशन के चलते होता है और दूसरा जो कारण होता है वो मोबाइल के हीटिंग होने के कारण होता है और तीसरा जो प्रॉब्लम होता है वो आपके ऐप के इशू के चलते होता है। तो ये तीनों स्टेप और ये तीनों कारण को मैं आपको वन बाय वन करके बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला कारण है वो बैटरी कैलिब्रेशन के चलते है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बैटरी कैलिब्रेशन में आपके फोन के अंदर आपको परसेंटेज बैटरी का दिखेगा कि 50% है, 60% है या 40% है, लेकिन अचानक से आपके फोन क्या होता है, बंद हो जाता है। तो आपको समझ में नहीं आता है कि भाई बैटरी तो अभी शो कर रहा है इतना परसेंट और अचानक से फोन क्यों बंद हो गया। तो अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए ये होता क्यों है। एक्चुअली ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों जो है कंपेटिबल नहीं हो पाते हैं, यानी कि आपके हार्डवेयर को पता नहीं चल पाता है कि बैटरी कितना परसेंट खत्म हो चुका है। वो आपको शो करते रहता है कि 40% 50% बैटरी है, लेकिन आपका पूरा बैटरी खत्म हो गया होता है और आपका फोन बंद हो जाता है। तो अब आपको इस तरह सा प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरह का कि आपके फोन दिखाता है कि बैटरी 60% है, 50% है और वो अचानक बंद हो जाता है, तो आपका यही कारण है। तो अब आपको इसको कैसे ठीक करना है, तो इसको ठीक करने के लिए आप अपने फोन को पूरा 0% तक ले जाकर के उसको बंद होने दीजिए। पूरी बैटरी जब तक उसका 0% बैटरी नहीं दिखाता है तब तक आप उसको इस्तेमाल कीजिए और पूरा 0% हो जाए, जब पूरी बंद हो जाए उसके बाद से आपको क्या करना है, 5-6 घंटा अपने फोन को चार्ज में लगा देना है, चार्ज में लगा करके छोड़ देना है और उसको पूरा 100% होने देना है चार्ज। दोस्तों पूरी जब तक 100% नहीं हो जाएगा तब तक आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना है और चार्ज से नहीं निकालना है उसको। जब फिर 100% हो जाए फिर उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिए और पूरा इस्तेमाल तब तक कीजिए जब तक कि वो फिर से 0% पूरी तरह से बंद ना हो जाए, पूरी तरह से बैटरी जीरो ना हो जाए, तब तक आप उसको चलाते रहिए, यूज करते रहिए। बीच में आपको कभी भी उसको चार्ज में नहीं लगाना है और फिर जब 100% वो डिस्चार्ज हो जाए यानी 0% पे हो जाए तब आपको फिर से उसको चार्ज में लगाना है और 4-5 घंटे के लिए चार्ज में लगा के फिर 100% तक उसको ले जाना है। इस तरह से आपको पूरा प्रोसेस को 4-5 बार करना है अपने फोन के बैटरी के साथ, तो ये आपकी बैटरी की कैलिब्रेशन हो जाएगी और इसके बाद से आपका जो फोन होगा वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंपेटिबल हो जाएंगे और आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों करेक्ट बताएंगे कि बैटरी का परसेंटेज इतना है और इसके बाद से आपका जो भी फोन होगा वो ठीक हो जाएगा और सही परसेंटेज आपका बैटरी का बताने लगेगा। तो ये पहला कारण है जिसको आपको ऐसे ठीक करना है। अब चलिए दूसरे कारण के बारे में जानते हैं। अब जो दूसरा कारण है दोस्तों वो यहाँ पे मोबाइल हीटिंग का है। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। देखिए मोबाइल हीटिंग का प्रॉब्लम जो होता है वो दोस्तों आपके अभी जो भी फोन आ रहा है उसकी कम फोन के अंदर ऐसा मिलता है कि बैटरी निकाल सकते हैं, तो आप इसको बैटरी को निकाल नहीं सकते हैं, आपका बैटरी जो होता है उस फोन के अंदर ही रहता है। तो आपको इसको कैसे चेक करना है और क्या होता है हीटिंग प्रॉब्लम और इसको कैसे ठीक करना है, तो ध्यान से समझिए। देखिए 25 डिग्री से आपके 40 डिग्री तक अगर बैटरी का टेम्परेचर बता रहा है
तो ये ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अब 50 डिग्री से अगर आपके फोन का बैटरी ज्यादा दिखा रहा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बैटरी के अंदर कुछ डिफेक्टिव आ चुका है। तो चलिए अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको आप कैसे चेक करेंगे अपने फोन के अंदर कि आपकी जो बैटरी की टेम्परेचर है वो कितना है और इसको कैसे ठीक करना है। तो इसको देखने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा अपने फोन के ऊपर और यहाँ पे जो आपको कॉलिंग वाली बटन दिख रही है, यहाँ पे ये कॉलिंग वाली बटन के ऊपर आप ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक कोड डालना है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। *#*#4636#*#*। अब जब आप ये पूरा कोड डाल देंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपकी बैटरी की इंफॉर्मेशन आएगी, आपके बैटरी की कैपेसिटी टेस्टिंग के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पूरे बैटरी का जो भी फोन का बैटरी है उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे कितना परसेंट 60% चार्ज बता रहा है और यहाँ पे बैटरी का जो टेम्परेचर है वो 35.7 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है और यहाँ पे कितने वोल्ट से चार्ज हो रहा है, ये सारी एम्पियर करंट और कौन सी टाइप की बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिख रहा है कि यहाँ पे 36 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर में है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे टेम्परेचर अब 50 डिग्री बताने लगे, 60 डिग्री बताने लगे, अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं फिर भी रखे रखे आपका फ़ोन हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बता रहा है, तो पहले ये समझ जाइए कि आपकी बैटरी डिफेक्ट हो चुकी है, आपकी बैटरी खराब हो चुकी है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रेंज के अंदर है और जब आप यूज करते हैं बहुत ज़्यादा तो उस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता ये है कि अगर आपका फ़ोन थोड़ा पुराना हो चुका है, 1-2 साल पुराना हो चुका है और आप उसको कंटिन्यूस बहुत लगातार आप अगर 3-4 घंटा यूज करते हैं या तो वीडियो देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका फ़ोन ज़्यादा हीट होता है और या चार्ज में लगा करके आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा सीपीयू का यूजेज होता है जिसके चलते आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ़ोन अपने आप को क्या करता है, बंद कर लेता है, ऑफ कर लेता है, स्विच ऑफ हो जाता है, इसलिए कि अदर कंपोनेंट उसका खराब ना हो जाए, इसीलिए फ़ोन अचानक से बंद हो जाता है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि 2-3 घंटे अगर आप इस्तेमाल करते हैं फ़ोन को तो उसको थोड़ा रेस्ट दे दीजिए, 30-20 मिनट उसको अगर आप रेस्ट दे देंगे तो आपका फ़ोन फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा तो वो फिर से आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आपके फ़ोन के अंदर कूलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि इस फ़ोन के अंदर कूलिंग का है, तो वो कूलिंग वाला ऑप्शन को आप यूज कीजिए तो आपका फ़ोन फिर से ठंडा हो जाएगा कूलिंग वाले से और फिर आप उसको ऑन करेंगे फिर वो बंद नहीं होगा। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे बचना है। लेकिन अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बता रहा है, आप यूज भी नहीं कर रहे हैं, रखे रखे 50 डिग्री 60 डिग्री इस तरह का टेम्परेचर दे रहा है, तो आपकी बैटरी खराब हो गई है, अब आपको यहाँ पे बैटरी चेंज करा लेना चाहिए। अब जो तीसरा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लोगों को इसी के अंदर प्रॉब्लम आता है और इसी कारण से उनका फ़ोन अचानक से बंद होता है, इसलिए आप इसको भी बहुत ध्यान से समझिए और देखिए ये बिल्कुल आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल टेस्टेड मेथड है। देखिए लोग अचानक से बहुत सारे ऐप भी अपने फ़ोन के अंदर ऐप जो भी ऐप मिलता है इंस्टॉल करते जाते हैं, इसी ऐप के चलते आपका फ़ोन बंद होता है, वो ऐप आपके फोन के अंदर क्रैश करता है और फिर आपका फोन अचानक से बंद होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जैसे कि वीडियो को पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ, आपको इस केस में अगर इस तरह से बंद हो रहा है तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन को यहाँ पे जैसे दिख रहा है पावर ऑफ कर देना है, आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है, पावर को बंद कर देना है। बंद करने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन को
फास्ट ट्रैक मोड में ले जाना है, वो कैसे ले जाना है मैं आपको अभी बताऊंगा, और उसके बाद से फिर आपको अपने फोन को ऑन करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे आप करेंगे। तो दोस्तों, इसको करने के लिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसको आप कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे कि मेरे फोन के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम वाली बटन दी गई है, अप और डाउन, और यहाँ पे पावर वाली बटन दी गई है। आपका भी जो फोन होगा उसमें वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की बटन होगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो वॉल्यूम वाली अप वाली जो बटन है और यहाँ पे आपकी पावर की बटन है, इन दोनों बटन को आपको क्या करना है, एक साथ प्रेस कर देना है और एक साथ दबा देना है थोड़ी देर के लिए। बस 20 से 30 सेकंड आप इसको दबाएंगे, उसके बाद से आपको देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ वीडियो में दिखाया है, इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे स्क्रीन पे बिल्कुल दो चीज आएगा, यहाँ पे फास्ट ट्रैक मोड लिख करके आएगा और यहाँ पे आपको रीबूट का एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको सेफ मोड का आएगा। तो अब आपको क्या करना है, रीबूट वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। तो आप किस तरह से जाएंगे रीबूट वाले ऑप्शन के अंदर, तो आपको जो यहाँ पे वॉल्यूम वाली अप और डाउन बटन है इसी को इस्तेमाल करके और नीचे और ऊपर के ऑप्शन में जाएंगे। तो जहाँ भी आपको रीबूट का ऑप्शन होगा, अगर ऊपर होगा तो आपको अप वाली बटन को यूज करके और यहाँ पे रीबूट के ऑप्शन के अंदर आ जाना है। और रीबूट पे आने के बाद यहाँ जो पावर वाली बटन दी गई है, यहाँ पे पावर बटन को आपको प्रेस कर देना है। और आपको प्रेस करने के बाद बिल्कुल जब वो फोन ऑन होगा उसको छोड़ देना है, और जब ऑन होने लगेगा तो आपको इस तरह का दिखाई देगा, आपका फोन जैसे ऑन होता है तो इस तरह से आपका फोन ऑन होगा। और जब ऑन होगा तो बिल्कुल दोस्तों, जो भी आपका गलत ऐप आपके फोन के अंदर क्रैश हो रहा था और उसी के चलते आपका फोन बंद हो रहा था अचानक से, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, वो ऐप ऑटोमेटिकली हट जाएगा और आपका फोन बिल्कुल ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद ये फिर दोबारा से कभी भी ऑफ नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करके और इसको ऑन कर सकते हैं अगर आपका फोन बार बार बंद होता है तो। तो दोस्तों, कैसा लगा इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन, आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। और आपका कौन सा प्रॉब्लम है इसमें से जिसके चलते आपका फोन अचानक से बंद होता है, वो भी जरूर कमेंट्स में लिख करके बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो और सही वीडियो डालते हैं। पसंद आया हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।